अरे मैडम जरा रुकिए जी। हाँ बोलो। ये क्या मैडम, पहले आप जब आती थी तो मुझे हमेशा 100 रुपए देती थी और अब ये सिर्फ 10 रुपए। तब मैं कवारी थी। फिर आप 50 रुपए देने लगी। क्योंकि तब मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद 25 रुपए। क्योंकि तब मेरा एक बच्चा हो गया था। और अब सिर्फ ये 10 रुपए। क्योंकि अब मेरे 2 बच्चे हैं, तभी तो तुम्हें 10 रुपए दे रही हूँ। वाह मैडम जी वाह, मजा आ गया बात सुन के। इसका मतलब आपके पूरे परिवार का खर्चा तो मेरे पैसों से चल रहा था। क्या कहा, फिर से कहना। चलो छोड़ो मैडम जी, रहने दो, मैं तो सुबह से भूखा बैठा हूँ। आपका घर तो सामने ही है, मुझे 2 रोटी ला के दे दो, भगवान आपका भला करेगा। देखो अभी तो मैं बाजार जा रही हूँ, बाद में आके ले जाना। कोई बात नहीं मैडम, आप मेरा नंबर ले जाओ और मुझे मिस कॉल कर देना, मैं आकर ले जाऊंगा। मिस कॉल की क्या जरूरत है, जब रोटी बन जाएगी ना तो मैं तुम्हें 2 रोटी व्हाट्सएप कर दूंगी, तुम डाउनलोड करके खा लेना। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, रोटियां भी कब से व्हाट्सएप होने लगी। तब से व्हाट्सएप होने लगी जब से भिखारी फोन रखने लगे। मैडम जी, व्हाट्सएप पर शादियां भी हो जाती है क्या? हाँ शादियां हो जाती हैं। तो मैडम जी प्लीज मेरी करवा दो ना। पर किससे? अरे आपकी बहन से और किससे। साला ऐसा मैंने क्या कह दिया।